तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं जेपी पावर के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं, जो जयप्रकाश पावर वेंचर से ही पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, उसी के साथ अगर हम बात करें तो इंडिया में पावर सेक्टर का फ्यूचर आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ब्राइट है। उसी के साथ जो गवर्नमेंट भी वो पावर सेक्टर और ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट कर रही है। अगर हम बात करें आज के जेपी पावर के शेयर प्राइस की, तो आज ये 4.20 रुपये पर क्लोज हुआ है और ये ओपन हुआ था 4.40 रुपये पर। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें 20 पैसे की थोड़ी मामूली सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों का देखें तो ये हमें लगातार हमें इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड, जिसके शेयर होल्डर्स है वो सोच रहे होंगे इसमें इतना गिरावट का कारण क्या है और क्या आने वाले टाइम में हमें और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बात करूँगी इसमें जो हमें गिरावट देखने को मिल रही है उसका कारण क्या और क्या आने वाले टाइम में गिरावट और होगी, या फिर हमें इसमें वापस से थोड़ा बहुत तेज़ी का माहौल देखने को मिलेगा, उस बारे में इस वीडियो में बताऊँगी। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वो आगे की कोई अपडेट मिस ना करें। उसी के साथ वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जेपी पावर की, तो अगर आज का इसका शेयर प्राइस देखें तो 4.20 रुपये पर क्लोज हुआ है और हमें -4.55% तक नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। अगर हम इसके पास्ट रिकॉर्ड देखें, तो अगर हम 5 डेज पहले का देखते हैं तो ये -8.70% तक नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमें इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी और इसका जो स्टॉक है वो 11 अगस्त को 4.20 रुपये पर ही पहुँचा था, लेकिन वापस से इसमें थोड़ा बहुत तेज़ी का माहौल बना और ये 4.60 रुपये पर भी पहुँचा, लेकिन वापस से हमें इसमें लगातार थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम 1 मंथ पहले का देखें तो हमें -31.15% तक नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। फ्रेंड्स, अगर हम 6 मंथ की बात करें तो ये हमें 33.33% पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। फ्रेंड्स, 6 मंथ पहले इसकी शेयर की प्राइस 2.75 रुपये थी। वहीं फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं ये हाई पे भी गया था, अपने 6.60 रुपये की हाई पे गया था 12 जुलाई को। उसके बाद से इसमें लगातार गिरावट हो रही है। अगर हम बात करें तो जून में भी 6.40 रुपये तक गया था। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं इसमें गिरावट हुई थी, उसके बाद से वापस इसने नई तेजी नई हाई बनाई थी। तो फ्रेंड्स, अभी हमें इसमें जो गिरावट हो रही है उसका हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आने वाला टाइम वापस इसमें और ज़्यादा तेज़ी का माहौल बने। वहीं अगर हम 1 ईयर का देखें तो हमें 44.83% तक पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जेपी पावर की, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो अभी एंट्री के लिए स्टॉक बहुत सही लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा कम प्राइस पे मिल रहा है और आने वाले टाइम में ज़रूर ये हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करके दे सकता है। पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी, तो आने वाले टाइम में ज़रूर ये हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करके देगी। उसके साथ फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं वीडियो ओनली आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रही हूँ, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें।